माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसे हो आप लोग सब गाइस। आज का जो वीडियो है ये मेरा फेवरेट है क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ माय रिसेंट परचेज फ्रॉम नायका। नायका में आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि नायका जेन्युइन प्रोडक्ट देती है, कोई फेक या कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं होता है नायका में। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट है जो मैंने लिया है नायका से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने ये रोज गोल्ड ऑयल लिया है जो अभी बहुत ही ट्रेंड में है, लाइक सब लोग इसे यूज करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने इसे एक बार यूज किया, सच में ये काबिले तारीफ है बिकॉज ये एक्चुअली बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें जो एक गोल्ड ग्लिटर है वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ लगा क्योंकि आपका स्किन ऐसा ग्लो करता है, ऐसा लगता है जैसे आपने लिटरली गोल्ड लगाया है, गोल्ड टाइप में शाइन करता है। तो इसकी पैकेजिंग कुछ है, ये एक ऐसे बॉक्स में आता है और ये कुछ ऐसे एक ग्लास बॉटल में आता है। तो बी केयरफुल बिकॉज नीचे गिरा तो ये टूट सकता है। इसको कुछ इस तरह आपको पंप करना है पहले, उसके बाद आपको इसे ओपन करना है और मेक श्योर इसको अच्छे से शेक कर लेना ओपन करने से पहले। इसके बाद इसमें प्रोडक्ट ऑलरेडी आ गया है, आपको डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करना है। मैं आपको यहाँ पे हाथ में अप्लाई करके बताती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। मैं आपको यहाँ पे हाथ में अप्लाई करके बताती हूँ, जैसे कि आपके फेस पे आपको इस तरह अप्लाई करना है और ये ऑयल ऐसे इस तरह आपको फेस पे पूरे लगा लेना है। तो ये आपको करना है बिफोर मेकअप, बिफोर योर प्राइमर। जैसे आप स्किन को मॉइस्चराइज करते हो तो मॉइस्चराइज़र के बदले आप ये ऑयल यूज़ कर सकते हो, इससे आपका जो स्किन है बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाएगा। तो आपको जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ब्रेकआउट्स नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा ग्लो देगा, लाइक यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है बहुत अच्छा शाइन कर रहा है। नॉट बिकॉज ये ऑयल है, इसमें एक छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स है जो कि बहुत शाइन करता है ग्लिटर टाइप में, बट दैट्स नॉट अ ग्लिटर एग्जैक्टली। इसका जो MRP है वो है 1250, लेकिन मुझे ये ऑफर में मिला है, मुझे कुछ 900 में मिला है। और मैं ये काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि ये सेल में आए और मैं लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफर में तो नहीं मिला, लेकिन नॉट बैड, मुझे ये लेना ही था एनी विच वे, जो कि मुझे ऑफर में मिल गया। सो आई एम हैप्पी। सो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है मैक का स्टोव क्रीम, जो कि आपको फाउंडेशन से पहले लगाना है। अगर आपने कोई ऑयल लगाया, जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे ये ऑयल बताया, ये ऑयल लगाया तो ये ऑयल के बाद ये लगाना ऐसा नहीं है, दोनों में से आप एक यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर रहे हो कोई भी तो भी आपको बहुत अच्छा शाइन देगा। तो ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है और ये इसका प्रोडक्ट है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्रीम बेस्ड में आता है, नॉट लिक्विड फॉर्म में। और जो इसका प्रोडक्ट है वो है 50 ml और इसका जो MRP है वो है 2950। नाउ आई नो ये अफोर्डेबल नहीं है, हर कोई नहीं ले सकता इसे, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो स्ट्रोब क्रीम लेने का तो मैक ही लेना, बिकॉज मैक में जो बात है वो दूसरे प्रोडक्ट में नहीं है। क्रीम बेस में होता है और इसे फेस पे आपको मेकअप से पहले लगाना होता है, बिफोर योर बेस मेकअप लाइक फाउंडेशन। और लाइक प्राइमर लगाने के बाद आपको स्ट्रोब क्रीम लगाना है, उसके बाद आपको फाउंडेशन लगाना है। स्पेशली जब मेकअप आपका सेटल हो जाता है उसके बाद ये एक अलग ग्लो दिखता है फेस पे, जो कि लोग पूछते हैं लिटरली आपने क्या लगाया है और कैसे किया मेकअप। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने क्या लिया है मैं आपको वो बताती हूँ। पैक का ब्लश ऑन, ये जो शेड है वो है 05 और ये आता है 450 रुपीज़ का। और इसका जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह आता है, ये यहाँ पे ऊपर पैक लिखा हुआ है और ये है प्रोडक्ट, और ये है क्रीम बेस में ब्लश ऑन, ये इस तरह। लेकिन ये ब्लश ऑन है, आपको इसे फेस पे आपको लगा के इसे रब करना है, उसके बाद आपको बहुत अच्छा सा एक नेचुरल सा वो ग्लो दिखता है। लाइक आपकी चिक्स है बहुत प्यारे लगते हैं, जब लड़की के चिक्स जो होते हैं वो ब्लश ऑन के बाद जितना ज़्यादा अच्छा लगता है वो ब्लश ऑन के बिना उतना मज़ा नहीं आता। तो अगर आप मेकअप नहीं करते हो तो भी आपको थोड़ा सा ब्लश ऑन तो लगा ही लेना चाहिए, और अगर वो क्रीम बेस्ड में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आजकल स्टिक में भी आ गया है ब्लश ऑन, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है कैरी करना। ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है क्रीम बेस्ड में, अगर आप ले रहे हो तो आपका प्रोडक्ट बाय मिस्टेक कभी हाथ से गिर जाए तो वो टूटेगा नहीं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या लिया। मैंने लिया NYX का मैट ब्राउन्जर, जो कि कुछ इस तरह दिखता है और इसका जो MRP है वो है 850 और ये मुझे ऑफर में मिला है, ये मुझे 650 में आई गेस मिला है। सबका लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। ये कुछ इस तरह दिखता है, बहुत ही ऑसम है ये गाइस, इतना ज़्यादा मैट और बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मैंने यही यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक मिरर के साथ आता है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो मैट प्रोडक्ट है इसका, ये बहुत ही अच्छे से आपको मैटिफाइंग लुक देगा। और शेड आते हैं इसमें, 2-3 अलग अलग शेड्स हैं, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से मंगा सकते हो। वैसे ज़्यादातर इंडियन स्किन टोन को डार्क शेड ही अच्छा लगता है। और इसके बाद मैंने क्या लिया, मैंने लिया यहाँ पे नायका के एसेंशियल ऑयल में से टर्मरिक ऑयल। ये टर्मरिक ऑयल जो है हर किसी को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज अगर आपको फेयर स्किन चाहिए, ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन चाहिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठोगे तो आपका जो स्किन है वो एक ग्लो करेगा। बिकॉज मैं आजकल ये यूज़ कर रही हूँ। अपना कोई भी नाइट क्रीम, जो कोई भी नाइट क्रीम आप यूज़ करते हो, उसमें आपको 1 या 2 ड्रॉप ये मिलाना है। ये इस तरह पैकेजिंग में आता है। ये कुछ ये 10 ml है और ये 350 रुपीज़ का आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है, जो कि है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर एंड डिफाइन फुल कवरेज फाउंडेशन। ये मैंने एक गलत शेड मंगा लिया, ये है F11 और मेरे शेड के लिए है 10.5। अगर आप मेरे शेड के हो तो प्लीज़ ये शेड मत मंगाना, बट दिस इज़ वेरी हाई कवरेज, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, ये फुल कवरेज है। इसका जो क्वांटिटी है वो है 23 ml और ये 12 मंथ्स लास्ट करेगा। तो ये मुझे कुछ गलत शेड आ गया एक्चुअली, ये बहुत अच्छा हाई फुल कवरेज है। सी, आप अपने हाथ से ही ब्लेंड कर सकते हो, उसे लिक्विड फॉर्म में आता है। इसके बाद मैंने एक कंसीलर ब्रश लिया जो कि है पैक का। ये ब्रश मुझे लेना था कंसीलर के लिए, बहुत अच्छा ब्रश है, ये काफ़ी फ्लफी ब्रश है और आपको ये कंसील करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका जो नंबर है वो है 219। इसके बाद मैंने जो लिया है वो है लिपस्टिक कलर बार का। अभी कलर बार में और NYX में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। कलर बार का ये जो लिपस्टिक है ये है रेड कलर में और ये कुछ इस तरह पैकेजिंग में आता है। लेट मी शो यू द शेड। ये इस तरह पैकेजिंग में आता है। कलर बार के सारे लिपस्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने बहुत कलर बार के लिपस्टिक्स यूज़ किए हैं। ये जो शेड है वो बहुत ब्राइट रेड कलर है, लिप्स पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा कलर है। इसका जो एप्लीकेटर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली, क्योंकि बहुत सॉफ्टली आपको लग जाएगा और लिप्स में बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो आप। बहुत अच्छा शेड है ये। और इसके बाद मैंने कलर बार का एक सिंदूर भी लिया है, क्योंकि अभी शादी हो गई तो सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत हैंडी है। लाइक आपके बैग में आप इजीली लेके जा सकते हो कहीं पे भी। अगर अलग से आप सिंदूर का डब्बा लेके जाते हो या कोई छोटे सी सिंदूर भी लेके जाते हो तो खुलने का डर होता है और फिर आपके सारे जो चीज़ है बैग के अंदर वो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो आपको ऐसे सिंदूर की बहुत ज़रूरत है जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है ऐसे, और आपको जस्ट लगा लेना है, बस सॉर्टेड है, लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी इससे। तो बेस्ट है ये सिंदूर जो है कलर बार का। और इसका जो MRP है वो बहुत सस्ता है, 199 का या 169 का है समथिंग। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। इसके बाद मैंने और एक लिपस्टिक ऑर्डर किया था जो है 925 लैक्मी का, और ये शेड भी मुझे बहुत टाइम से लेना था। मैं ज़्यादातर ये सब शेड्स ही यूज़ करती हूँ। दिस इज़ ब्राइट पिंक कलर। इसके बाद मैंने लिया है नायका से ये वाला काजल, जो कि है रॉक दी लाइन काजल। और काफ़ी टाइम से मुझे काजल लेना था। एक ये ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर आ जाता है, आपका काजल वेस्ट नहीं होगा। ऐसे वाले काजल पेंसिल ही अच्छे लगते हैं, ना कि वो छिलने वाला, बिकॉज उसमें क्या होता है कि समटाइम शार्पनर होते नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊँ, मैंने आईलाइनर लिया है जो कि है मेबलिन का न्यू लास्टिंग ड्रामा जेल आईलाइनर, जो कि ब्रश के साथ आता है। ये ब्रश है इसका, और जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह आता है। ये मैंने पहले भी यूज़ किया, ये मेरा दूसरा है बाय द वे। सो गाइज ये था मेरा न्यू लेटेस्ट नायका शॉपिंग। तो अगर आप लोगों को इसमें से कुछ अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका फुल रिव्यू दूँ तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। आई गेस आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सी यू सून गाइज। मिलती हूँ जल्दी ही अगले वीडियो में, बाय।